हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना कुकिंग किचन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है और सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज जो अम्मी रेसिपी बनाने वाले हैं वो है बासा फिश और बिंजल। पहले तो आपने ये रेसिपी बिंजल के साथ देखा था, नहीं बिंजल के साथ सॉरी कोरमा देखा था, बासा फिश का कोरमा। तो आज मम्मी बासा फिश से ग्रेवी बनाने बताएंगे कि कैसा करके मम्मी बनाते। तो कितना बिंजर कितना लिया है? 250 ग्राम बिंजर लिया और आधा किलो फिश, 500 ग्राम फिश। ये क्या करने वाले हो? 500 ग्राम मैंने बासा फिश को उसका नमक नींबू खट्टा हल्दी से और नमक उसको तल कर रख दिया और उसको भी तल कर रख दिया। चलो शुरू करती हूँ, पूरा वीडियो देखते रहे करोगे। कढ़ाई में मैंने आलू तली थी, फ्राई करी थी, उसमें अभी मैं 2 मिर्ची डालनी सूखी और 2 तेजपत्ता डाल दी है और 1 चम्मच जीरा डाल दी। मैं 2 कांदा को चॉप करके रखी थी वो डाल देती हूँ। क्या करोगे? अभी इसको थोड़ा सा भून लूँगी। अच्छा, और उसके बाद 1 चम्मच भर के 1 चम्मच अगर लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ये डाल दिया। करोगे? अभी इसमें क्या है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, मतलब चिली फ्लेक्स। चलो ओके। अभी मैंने जो मच्छी तो लेके करी थी ना, नींबू करी थी ना, नींबू का मिर्ची मिक्स के जो फिश के मिक्स किए थे वो ना, उसका पानी। अच्छा, डालोगे? 1 चम्मच नमक डालूंगी और टमाटर। अभी मैंने इसको मिक्स करूंगी और इसके साथ साथ मैं आलू फ्राई, जो आलू के फ्राई करके आप वो भी डाल देती हूँ, उसके साथ में हो जाएगा बहुत तीखा खाती है। आप क्या डालोगे? जो बिंजर का धोकर रखी थी वो डाल दूंगी। बिंजर 250 ग्राम है, 250। क्या करोगे? तो मिला देती हूँ। अभी क्या करोगे? इसको थोड़ा मिक्स करूंगी, जो टमाटर दिया टमाटर का पानी छूट जाएगा और थोड़ा मसाला भी एकदम भून लिया मैंने वापस अच्छे तरह से। इसके साथ भून के इसके साथ मिक्स हो जाएगा, बिंजर खुश हो जाएगी, बोले वाह मसाला लग गया चुका हूँ इसमें। अभी क्या करोगे? अभी देखो अभी मेरा ये पक गया, कितना अच्छा हो गया, मस्त एकदम। अभी मैंने जो सुहाना जो बिरयानी मसाला है उसका थोड़ा सा जो ऊपर ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा ये करके दूंगी 1 चम्मच करीब। करोगे तुम? अभी मैंने ये जो मच्छी का जो है ना, एक मुंडी भी लिए थे, 2 मुंडी लिए थे मतलब। अच्छा। और इसका दाका जो है ना थोड़ा पतला पतला काटे, क्योंकि इसमें चर्बी ज्यादा है तो गल जाते हैं, मच्छी थोड़ा पतला हो जाता है चर्बी की वजह से। चलो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें कोथमीर छोड़ा देती हूँ, थोड़ा बचा के रखती हूँ और गार्निशिंग के लिए चलो अभी ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। अब मेरा 5 मिनट हो गया, मैंने गैस बंद कर दिया, गैस बंद। अब मैं प्लेटिंग करूँगी, प्लेटिंग। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव मच्छी जबरदस्त एकदम। क्या करोगे? इसमें से अभी इसमें थोड़ा सा कोथमीर छड़ा देती हूँ, बस हो गया मेरा। बंगाली स्टाइल बासा फिश और बिंजर रेसिपी रेडी हो गया। देखो कितना जबरदस्त, कितना चटपटा, कितना मज़ेदार, बहुत जल्दी बन, एकदम डिलीशियस। अब बहुत जल्दी भी बन चुका है वो, देखो कितना अच्छा लग रहा देखकर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग को बंगाली मम्मी का स्टाइल का मतलब मम्मी का रेसिपी बंगाली स्टाइल का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देना प्लीज़। आप लोग कमेंट किया करो बासा फिश और बिंजल ग्रेवी, कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इतना मुश्किल से बनाती हूँ, थोड़ा तो खुशी दो आप लोग को, खुशी में मेरी खुशी है। तो चलो वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय, अल्लाह मालिक खुदा हाफिज़।